तीन चीजें अगर आप कर लेंगे तो आप नेगेटिविटी को दूर भगा देंगे। जी हाँ, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। आजकल के दौर में जहाँ पे कोरोना ने इतनी तबाही फैलाई है, जहाँ लोग उनके कारोबार खत्म हुए हैं, वहाँ उनको डिप्रेशन जैसी चीज़ों में घेर लिया है, तो इस सिचुएशन में आप कैसे नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं, मैं तीन पॉइंट डिस्कस करूँगा। पहला, इस वीडियो में डिसेबल पीपल जो हैं, स्पेशल पर्सन, वह भी उनकी ज़िंदगी में इतनी हैपनिंग नहीं होती, लेकिन वह भी इस वीडियो को देख के नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं और लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। पहला पॉइंट, कीप योरसेल्फ बिजी। जब हम अपने आप को बिजी रखेंगे मुख्तलिफ चीज़ों में, आजकल ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन इतने ढेर सारे बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं और अपने आप को बिजी रख सकते हैं, तो जब आप बिजी होंगे तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप इधर उधर की बातों में ध्यान दें, तो नेगेटिविटी आपके सर्कल के अंदर आ ही नहीं सकेगी। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस से पर वीडियो बनाऊं कि कौन कौन से बिजनेस स्पेशल पर्सन कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट में बताएं। दूसरा पॉइंट है, फॉरगिव और आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ऐसे हालात में हमें हजम अमल की उस पर अमल करना चाहिए कि या तो अगर आपसे कोई नाराज है और गलती आपकी है तो उससे माफ़ी मांग लें, या किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको माफ़ कर दें। इस तरह जो आपके साथ बंदा है वह भी खुश होगा और आप भी खुश हो जाएंगे, और इस तरह आप नेगेटिविटी को भगा के पॉजिटिविटी ले आएंगे। द लास्ट स्टेप इज प्रे। इन हालात में जहाँ डिप्रेशन बहुत आम है, अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने और कुरान शरीफ का मुताला करें और अगर समझने की कोशिश करें तो मुझे उम्मीद है कि इंसान को मेंटल पीस मिल जाता है। इसमें रेगुलर होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसमें नियत करें तो रेगुलर हो सकते हैं। मुझे भी यही इशू पेश आ रहा है कि रेगुलर नहीं हो जाता, तो ये तीन चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आप नेगेटिविटी को दूर भगा देंगे, जैसे मोटी मच्छर को भगाता है, और पॉजिटिविटी आपके घर आ जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह ने के बाद कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।